पिछले 20 साल में मुख्यमंत्री जी ने 1,00,000 बार ये कहा किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020 तक। अभी कुछ दिन पहले कृषि मंत्री जी का बयान आया कि पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें किसानों की इनकम दुगनी हो गई। पूरे मध्य प्रदेश में लहसुन और प्याज के किसान खून के आंसू रो रहे हैं, जहर खाने पे मजबूर हो गए हैं। लगातार वीडियो लहसुन फेंक फेंक के मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं, सरकार के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। पर ये अंधी गुंगी और भैरी सरकार किसी का दर्द, किसान का दर्द देख नहीं सकती। ये लगातार मुख्यमंत्री जी किसानों का कर्जा खा गए, मुख्यमंत्री जी किसानों की सस्ती बिजली खा गए, मुख्यमंत्री जी ने खाद के दाम 3 गुना कर दिया और उनकी पार्टी के नेता खाद भी चोरी कर रहे हैं, धक्का डाल रहे हैं, किसानों को दे नहीं रहे, महंगा भी नहीं दे रहे। और कृषि मंत्री मजाक करता है किसानों की, ये मेरा विभाग नहीं है, ये उद्यानिकी है, और फिर कहता है कि लहसुन और आय ये सरकार खरीदेगी। आज के पूरे भाव विधायकों का, कांग्रेस विधायक दल का ये है कि सरकार की भावांतर योजना काम मर गई है, किसानों का कब खरीदेगी लहसुन। शिवराज जी आप रोज भाषण देते हो, किसान पुत्र बनते हो, एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, तो आप क्या कर रहे थे। मैं मानता हूं सरकार को लहसुन प्याज और वो फसलें जो एकदम कम दाम में मिल रही है भावांतर की योजना के अंतर्गत उनको भाव देना चाहिए। जो यूरिया की कालाबाजारी या खाद डीएपी की कालाबाजारी हो रही है उसके लिए सरकार दोषी, क्या किल्लत क्यों आ रही है सवाल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि दुगनी आय की बात की थी शिवराज जी, कहां है वो दुगनी आय किसानों की, कहां है वो आपके झूठे वादे, रोज चलते हुए भाषण, किसान पुत्र, किसान का बेटा, भगवान है मेरा किसान, ये भगवान आपका नदी में डूब के मर रहा है, आप कहां हो, आवाज दे रहा है किसान। ये विधायक दल की आज लहसुन हम भेंट करने आए थे आदरणीय शिवराज जी को।